हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय डिजाइन विकास मैथ एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 रेशनलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, जो इसका पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक कवर किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन 4 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहाँ से आप कोई भी वीडियो पे इजीली जंप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या दिया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। क्या करना है इसका डिनोमिनेटर को, क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज में सिंपली क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर को क्या करिए, इरेशनल नंबर से फ्री कर दीजिए, मतलब उसका इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए उसका डिनोमिनेटर। तो वो जो क्या हो जाता है, वो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो रेशनलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं, 3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √√2। ठीक है, इसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है, उसका डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में जो √3 प्लस √2 है ना, तो क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √2 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √2 से। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, √3 माइनस √2 है, ये भी √3 माइनस √2 है, मतलब दो बार मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको लिख देंगे हम √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये क्या है, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, मतलब इसका जब मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, a है ये b है, इसका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, अब ये a हो गया ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे भी क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा, और 2 का √2 का स्क्वायर होगा तो बस 2 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3, √2 का स्क्वायर मतलब क्या है 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस तरीके से, और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 × 5 5 माइनस 2√6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर अब इरेशनल नंबर से फ्री हो गया, और 1 एक इरेशनल नंबर है, तो ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तब तक करते हैं रेशनलाइजेशन, तब तक ले उसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, रेशनल नंबर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कैसे रेशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 5 + √3 डिवाइडेड बाई 7 + √3 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सिंपली क्या करेंगे, √7 - √3 से क्या करेंगे, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 + √3 डिवाइडेड बाई 7 + √3 इंटू मल्टीप्लीकेशन बाई 7 - √3 डिवाइडेड बाई 7 - √3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये क्या करेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर ये भी इस टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका हो जाएगा 5 - √3 प्लस 2√3, फिर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ 7 - √3। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसका फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 7² - √3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये क्या हो जाएगा 5² = 20 20√3, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा तो 5² = 14 14√3, ये क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 4² = 8 और √3 × √3 3 आ जाएगा, तो 8³ = 24 माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका ये 49 माइनस, अब इसका भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर होगा इस पे भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 16 और √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3, मतलब 16 × 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16³ = 48 16³ = 48। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ घटाना कर लेंगे यहाँ पे, तो 35 में से 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 5 इधर बचा 6 इधर बचा उधर 5 इधर बचा, मतलब ये यहाँ से आ जाएगा 11 बचेगा। ठीक है, तो ये 11
और ये देखिए 20√3 है और ये 14√3 है, तो क्या आ जाएगा -6√3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 49 में से क्या आ जाएगा 48 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब 11 -6√3 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, होगा कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड ये है 1+√2 / 3 - √2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन किया ना उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये जो होता है ना 3+√2 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है ना, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करें और वो रेशनल नंबर आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका समझ लीजिए 2 - √2 है, ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, आप बोलेंगे 2+√2 होगा, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ना तो क्या आएगा आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a - b है, a+b है, तो क्या हो जाएगा 2² - √2 होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है, 2 क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट कराने पे क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, मतलब ये जो है इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है और इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये है, ठीक है। तो ईच अदर अपने में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ये होता है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि बस साइन चेंज करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो क्या आता है, वो एक रेशनल नंबर आता है, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम चाहिए, वही काम हम कर रहे हैं, जितने भी आप मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करा रहे हैं डिनोमेटर में करा रहे हैं सब क्या है, वो एक रेशनलाइजेशन फैक्टर है डिनोमेटर का, ठीक है, डिनोमेटर वाले नंबर का बोले या डिनोमेटर का बोले सिंपली, ठीक है। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। वैसे आप थ्योरी जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता हुआ होगा कि रेशनलाइजेशन फैक्टर है क्या, ठीक है। हम सोच रहा हूँ कि अब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी क्या करें, उसको भी धीरे धीरे अपलोड करें, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, अगर चाहिए थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी तो हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको भी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो थर्ड का सिंपली वैसे ही करेंगे 1+√2 / 3 - √2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3+√2 से, ठीक है, ये हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस करके इस तरीके से कराते हैं कि a - b (a+b) वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाए, ठीक है। तो a² - b² कर देते हैं, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं, करते हैं हमेशा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई 1 एक बार इतने वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक बार √2 क्या करेगा इतने वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 3+√2 + 2√2 इसे मल्टीप्लाई करेगा 3+√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये देखिए a - b (a+b), ठीक है, तो a² - b² फॉर्मूला लग जाएगा, ये 3² - √2² ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3+√2, ये √2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3√2, ये क्या हो जाएगा √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और इसका 3² क्या होगा 9, 2√2 कहते 2 पे भी स्क्वायर आएगा तो 2² होगा 4, और √2 पे स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 3 और 4 = 7, अब ये देखिए 2√2 है ये 3√2 है, तो 3 और 2 क्या हो गया 5√2 हो गया, 5√2 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7+5√2 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर को सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 3 × √5 माइनस है तो प्लस 2√6 से क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे 2√6√5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 2√6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 3√5 प्लस 2√6 इससे क्या करेंगे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर का सर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के नीचे जाते 2√6 क्या करेगा एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3√5 के साथ
प्लस 2√6 के साथ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रूट फाइव क्या होगा, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3√5 प्लस 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन कराइए, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6 ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 6 और रूट फिक्स रूट फाइव मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब 6√30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6√30 हो जाएगा। फिर इसमें ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 × 4 और रूट सिक्स और रूट सिक्स मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 6, मतलब 6 × 4 24 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस रूट फाइव इंटू 3√5 तो ये क्या हो जाएगा 3 ऐसे ही रहेगा और रूट फाइव और रूट फाइव मल्टीप्लाई करते 5 हो जाएगा, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आपका। अब नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो 9 × 5 = 45 माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6, मतलब 4 × 6 = 24, ठीक है, 4 × 6 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6√30 है 2√30 है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 4√30, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 24 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, डिवाइडेड बाई 45 में से 24 घटेगा तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, 24 में से 15 प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो 4√30 प्लस 9/21 ये क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, तो वहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सही कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फिफ्थ ये दिया है 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाई 48√ प्लस √18 दिया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाई √48 प्लस √18, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √48 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √48 माइनस √18, ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस से करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा, ठीक है, तो यही करते हैं ना डेनोमिनेटर का इरेशनल नंबर से फ्री करते हैं, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा ऊपर के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के नीचे के साथ, ये क्या करेगा आपका 4√3 करेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा √48 प्लस माइनस है ना माइनस √18 प्लस 5√2 भी एक बार मल्टीप्लाई करेगा √48 माइनस √18 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन गया आपका 48 का स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर, ठीक है, ये √48 है, ठीक है, ये √48 है का स्क्वायर है, ठीक है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 4√ और ये √3 और √48 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 48 × 3 हो जाएगा, √48 × 3 हो जाएगा माइनस इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4√18 × 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5√48 × 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5√18 × √2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा आपका 48 − 18 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा अंडर रूट। अब आगे देखिए ये आ जाएगा आपका 4√144 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 × 8 = 144 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 4√54 प्लस ये कितना आ जाएगा 5√96 और ये क्या आ जाएगा 5√36, ठीक है, डिवाइडेड बाय जब इसे घटाएंगे 48 में से 18 तो क्या आएगा आपका 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है। अब देखिए √144 का वैल्यू क्या आता है 12 होता है, ठीक है, तो ये 4 × 12 हो जाएगा आपका माइनस अब इसको क्या ले सकते हैं √54 को हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे
रूट 54, मतलब 54 को क्या करेंगे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो क्या आ जाएगा आपको 2 से ले जाए दो के 4, 2 सत्तर 14, ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब होता है, मतलब 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का 2 पावर 3, ठीक है। तो ये 3 2 जो 6 और स्क्वायर और वैल्यू क्या आता है बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलेगा तो बाहर 4 है और बाहर एक 3 निकल जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 रूट क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 54 को हमने लिखा है, 4 रूट 54 का क्या हो जाएगा 12 रूट 6 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और बाहर निकल जाता है और आगे वाला नंबर से क्या करता है मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है, तो और जो अंदर बचता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हमने 4 रूट 54 को 12 रूट 6 की तरह के ब्रेक कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे प्लस 5 रूट 96 है, तो 96 को क्या करिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये 2 दुनी के 4 और 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से ले जाइए इतना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइए 12 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइए 6, फिर 2 से ले जाइए 3, ये आ जाएगा 2 4 5, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 ले सकते हैं। तो ये देखिए 2 का पावर 2 है ना, 2 2 बार है तो 2 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा और 6 ऐसे रह जाएगा, तो 5 4 20 हो जाएगा आपका, ये 20 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रूट 36 की वैल्यू क्या आती है 6 होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा नहीं हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30। ये देखिए 12 चौक 48 -30 यहाँ पे कर देंगे और माइनस यहाँ पे 12 रूट 6 है, यहाँ पे 20 रूट 6 है, तो क्या आ जाएगा घटेगा तो आ जाएगा आपका +8 रूट 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 48 में से क्या माइनस हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 18 प्लस रूट 8 6 बचेगा डिवाइडेड बाई 30। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 6 डिवाइडेड बाई 30। ये 2 कॉमन कर लिया हमने यहाँ पे, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 6 डिवाइडेड बाई 50। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5th, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये 2√3 − √5 डिवाइडेड बाई 2√2 + 3√6, 3√3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करिए आप 2√3 − √5 2√2 + 3√3, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√2 − √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है, करिए इसको, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 जो है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2√2 − √3, ठीक है, −√5 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2√2 − √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आप लग जाएगा, तो 2√2 − √3 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। अब आगे देखिए ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई 2 2 = 4 और √3 और √2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4√6 हो जाएगा, माइनस इस तरीके से 4 2 = 6 और √3 × √3 हो जाएगा, तो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2√2 √5 मल्टीप्लाई करेगा तो √10 हो जाएगा, मतलब −2√10 हो जाएगा और यहाँ पे −(−) हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस तरीके से, और नीचे क्या बचेगा आपका ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 × 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4√6 − 18 − √10 + 3√15 डिवाइडेड बाई 27 में क्या करिए मतलब 8 में माइनस कर दिए 27 तो क्या आ जाएगा −19 आ जाएगा, ये माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए तो ऊपर ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +18 पहले लिख देते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं यहाँ पे +2√10 लिख लेते हैं, उसके बाद से −4√6 लिख लेते हैं, उसके बाद से −3√15 डिवाइडेड बाई 19, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट वाले सारे क्या डिफरेंट हैं तो ऐड तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये सिंप्लीफाई, मतलब इसे क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करते क्या है ना, एक एक वाले टर्म को क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद इसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आती है क्या करें, ऐड करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5+√3 डिवाइडेड बाय √5-√3। तो क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5+√3 डिवाइडेड बाय √5+√3। ठीक है, इसका हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस ये देखिए इसको क्या हो जाएगा, √5-√3 डिवाइडेड बाय √5+√3 इंटू क्या करेंगे, √5-√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है ना तो माइनस यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा √5+√3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका √5 - √5² - √3² होगा कि नहीं होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या है, a - b (a+b) क्या होता है, a² - b² प्लस यहाँ पर हो जाएगा √5 - √3² डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा √5² - √3² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या है 5+√3² तो क्या करेंगे, a+b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे a - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5² प्लस √3² प्लस 2 × 5 √3। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका √5² यहाँ पर √5 है, ये क्या है आपका यहाँ पे देखिए √5 है, तो ये √5² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा √5² प्लस √3² माइनस 2√5 × √3, यहाँ पर भी क्या है √5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए नीचे डिनोमीटर में क्या हो रहा है, डिनोमीटर में क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसका डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये 5² क्या हो जाएगा, 5-3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5-3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए आपका, आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, 5 ये 3 हो जाएगा, और प्लस 2√15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5+3 यहाँ पे -2√15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमीटर सेम है, दोनों का जब डिनोमीटर सेम है तो क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा, ये 5 × 3 = 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 8 प्लस ये 2√15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 8 - 2√15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ये देखिए ये +2√15 है, ये -2√50, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 16/2, मतलब क्या आ जाएगा 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इसका रेशनलाइज करेंगे, फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, फिर इसके रेशनलाइज करेंगे, तीनों का रेशनलाइज करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 1/2+√3 का रेशनलाइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 ये क्या हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2² - √3² ये क्या हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 1 आ जाएगा वैल्यू इसका, मतलब 2 - √3 आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन होगा। फिर इसका हम करते हैं 2/√5 - √3 का, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 + √3 इसे क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा 2√5 + 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा √5² - √3² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा √5 + √3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 3 मतलब यहाँ वैल्यू आएगी 2√5 + √3 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका √5 + √3 बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू 2/√5 - √3 की वैल्यू आ रही है √5 + √3 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट आपका दिया है 1 अपॉन
2 माइनस रूट फाइव तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट फाइव, 2 प्लस रूट फाइव तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट फाइव और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 5 तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा मतलब ये वैल्यू आ गई तो इसकी ये वैल्यू आ गई इसकी ये वैल्यू आ गई अब सिंपली क्या कर देंगे पुट कर देंगे यहाँ पे आपका है दिया है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 5 इसकी वैल्यू क्या आई है इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है 2 माइनस रूट 3 है प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है रूट 5 प्लस रूट 3 है इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे आई है 2 प्लस रूट 5 है ठीक है पुट कर दीजिए यहाँ पे देखिए क्या आ रही है क्या आ रहा है यहाँ से माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा और प्लस रूट 5 और प्लस रूट 5 2 रूट 5 आ जाएगी तो ये देखिए उसकी वैल्यू आ जाएगी तो इस तरीके से क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का इसी तरीके से उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे ठीक है उसका जो टाइप था हमने बता दिया था जो हार्ड टॉप जो क्वेश्चन है उसे हमने क्या कर दिया बता दिया है और बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से सेल्फ ट्राई करेंगे और उसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये आंसर आया है ठीक है अगर नहीं होगा तो कमेंट में क्वेश्चन को पिनअप कर दीजिएगा हम नेक्स्ट पार्ट जब इसका बनाएंगे तो वहाँ पर क्या कर देंगे वहाँ पर आपको सॉल्व करके दे देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत